हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं सुबह के 6:30। हाँ, 6:30। और आप सोच रहे होंगे मैं रेडी वेडी होके कहाँ निकली हूँ। तो मैं निकली हूँ फिश मार्केट। फिश मार्केट से फिश लाएंगे, मटन लाएंगे, चिकन लाएंगे और नाश्ता लेके घर आएंगे। तो इतना सुबह सुबह हम मैं रेडी हो चुके हैं, देखिए। चलो चलते हैं। आ रहा है मेरा कच्चू को, देखिए कैसा खाना खा रहा है। इसका फूड भी खत्म हो गया है, इसका फूड भी लाएंगे जाके। ये देखिए, फिश लोगों से मांग के खा रहा है। कच्चू कच्चू, ओके चलिए चलते हैं फिश मार्केट। ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और यहाँ पे अभी ये स्टेशन के सामने ही है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा चाय मिलता है, बहुत ही अच्छा चाय मिलता है। तो हम यहाँ पे चाय पीने आ गए हैं। मैं बोली मटन लेने से पहले थोड़ा चाय पी लेते हैं, नहीं तो सुबह सुबह मैं घर में चाय नहीं बनाई थी। तो ये चाय यहाँ का बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो चाय मेरा पीना हो गया, ख़त्म हो गया है। तो चलिए मटन लेने जाते हैं। अभी हम पहुँचे हैं, ये है इडली सांभर डोसा उत्तपम, जो भी यहाँ पे खाओ, यहाँ पे बहुत फेमस है। और हम यहाँ से इडली और सांभर ले रहे हैं नाश्ते के लिए। और यहाँ पे तो नहीं खाएंगे, घर में जाके खाएंगे, बट यहाँ से ले लेते हैं। ये रास्ते में ही पड़ता है, ये तो काली मंदिर के आसपास है ये। और यहाँ से हम नाश्ता ले लेते हैं, देखिए चलिए फिर। अभी मटन की दुकान पहुंच चुके हैं और ये मंगल बाज़ार का मटन शॉप है। यहाँ से बड़ा बड़ा होटल में भी मटन जाता है, बहुत ही अच्छा मटन, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है मटन की। और ये देखिए, मेरा सब घर में आके बर्तन वर्तन धो के, आज भी मौसी नहीं आई है, और ये सब बिरयानी के लिए मैं सब प्रिपरेशन करके, प्याज वगैरह सब काट के, प्याज कच्चा मिर्चा गरम मसाला और तेज पत्ता टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट सब काट के कूट के मैं सब प्रिपरेशन करने रख दी हूँ। और ये बिरयानी मसाला है, बिरयानी मसाला, आज मैं बिरयानी बनाऊँगी, मटन बिरयानी। तो चलिए बनाते हैं और आप बना के बोलिएगा मुझे कि कैसा लगता है। ये केवड़ा जल और घी भी डालूँगी इसमें, केवड़ा जल मेरा मेन चीज़ है, केवड़ा जल। और ये अभी प्रेशर कुकर में घी डाल दूँगी, देखिए घी का क्वांटिटी थोड़ा अच्छे से दे दीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और आप लोग तो जैसे जानते हैं मैं बिरयानी साथों साथ कर लेती हूँ, कुकर बिरयानी कुकर में ही हमेशा करती हूँ, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आप भी कभी ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा बनता है। और ये मैं थोड़ा तेल भी ऐड कर दे रही हूँ इसमें। देखिए घी गरम हो चुका है,
गरम हो चुका है, अभी तेज पत्ता डाल देंगे, खड़े मसाले, गरम मसाला, अभी प्याज डाल देंगे। प्याज बहुत ज़्यादा काटिएगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा लगता है, दो बड़े तीन बड़े प्याज काटी हूँ मैं। और इसको पूरा गोल्डन ब्राउन करना है आप लोग को, पूरा गोल्डन ब्राउन। ये मतलब बैचलर्स भी कर सकते हैं, जो बैचलर्स रहते हैं घर भाड़ा लेके बाहर नौकरी करते हैं, अकेले रहते हैं, उन लोग घर में खाना बनाते हैं, सो उन लोग भी प्रेशर कुकर में आराम से करेंगे, इतना झंझट नहीं करना पड़ेगा। और जो जैसे कि चावल बॉईल करो, चिकन बनाओ, फिर उसके ऊपर लेयर दो, ये करो वो करो, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये झट से कुकर में भी बन जाएगा। तो ये देखिए मेरा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से। इसमें मैं टमाटो ऐड कर लूँगी, इसको अच्छे से चलाना है अभी, ये देखिए अच्छे से चलाइए, जैसे टमाटो मेल्ट हो जाए, अच्छे से पक जाए। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ मैं, और इसको अच्छे से चलाएंगे। अक्सर मैं घर में बनाती रहती हूँ ये कुकर वाला, और आप भी ट्राई करना कैसा है कैसा नहीं बोलना मुझे। और ये रेड मिर्च पाउडर जितना आपको चाहिए, ये नमक, आपको जितना चाहिए। और ये देखिए कितना अच्छे से ये उसका ये आ जा रहा है। थोड़ा सा मसाला डालेंगे, गरम मसाला, खड़े गरम मसाला तो मैं डाली हूँ, फिर बिरयानी मसाला भी इसमें डालूँगी, तो मसाला थोड़ा सा डाली हूँ। ये देखिए मटन धो के रखी हूँ, ये मैं रात के लिए निकाल ली हूँ, रात में मटन झोल बनाऊँगी, सो अभी बिरयानी के लिए इतना ही मटन चाहिए, काफ़ी है। तो इसको अच्छे से चला लेंगे, जब तक उसका तेल नहीं निकले, मैं बार बार बोलती हूँ हर रेसिपी में, जिसको जैसे तेल निकल जाए फिर उसमें मटन ऐड करेंगे। मसालों को अच्छे से कसिए, उसको अच्छे से पकाने, मतलब जैसे पता चलता है, जैसे उसका पानी सूख के तेल निकलने आता है, तब उसको पता चलता है कि हाँ मसाला अच्छे से हो चुका है अब। और ये मटन को अच्छे से मिला के उसको अच्छे से ये करना है, मटन से भी कुछ पानी निकलेगा, तो वो पानी निकल के उसको उसमें से तेल निकलेगा, तब हम जानेंगे कि मटन हो गया है। ये देखिए, ये देखिए सिर्फ तेल निकल रहा है, अभी ये मटन पानी डालने के लिए रेडी है। तो हम पहले क्या करेंगे, मटन तो इतना जल्दी से पकता नहीं है, तो हम इसमें पानी दे के पहले इसको पका लेंगे। चावल धो के भी रखी हूँ मैं पहले से, देखिए पानी ऐड करेंगे, पानी थोड़ा सा ऐड करके इसको कम से कम, मेरे प्रेशर कुकर में तो पकता है 8 से 9 सीटी में, तो आपका प्रेशर कुकर में कितना पकता है उसी अनुसार आप सीटी दीजिएगा। मैं यहाँ पे 8 से 9 सीटी यहाँ पे लगाऊंगी, तो मेरा मटन अच्छे से पक जाएगा। बंद कर लिया, अभी मैं इसको सीटी लगा लूँगी, 8 से 9 सीटी लगा लूँगी। बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, आप बना के ज़रूर देखिएगा। बैचलर लोग भी बना सकते हैं, जो हॉस्टल में लड़कियां रहती हैं वो भी बना सकती हैं, जो रूम में खाना बनाते हैं। बहुत ही इजी है और टेस्टी बिरयानी, मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं कि इससे कोई टेस्टी बिरयानी है ही नहीं, कोई होटल में दिखता नहीं है जितना टेस्टी तुम बनाती हो। तो मैं जब बिरयानी बनाती हूँ वो खाते हैं, नहीं तो होटल का उनको इतना पसंद नहीं है, मेरे बेटे को भी इतना पसंद नहीं है, जो मैं बनाती हूँ उन्हीं को वो ही पसंद है।
बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और ऐसे है ना, होटल में कैसे कैसे सब बना देते हैं, कुछ नहीं, हम लोग इतना अच्छे से बनाते हैं, घर का है इसलिए बहुत अच्छे से बनाते हैं, हम लोग खाएंगे। तो ये बहुत ही इजी वे है और अच्छा वे है, आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। ये देखिए मटन अभी 8 से 9 सीटी लगा चुकी हूँ। ये देखिए ये जो पानी है, थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है, ये कोई बात नहीं है, मटन इतना भी सीजना नहीं चाहिए। चावल डाल के और 3 सीटी तो लगाऊंगी। ये देखिए इसमें आलू ऐड कर लूँगी, पहले से आलू ऐड इसलिए नहीं किया कि आलू टूट जाएगा, अभी चावल के साथ आलू भी हो जाएंगे, आलू बाद में ऐड करना है। ये देखिए ये अच्छे से पानी को सुखा दी मैं फिर से, और चावल धो के रखी थी, चावल इसमें डाल दूँगी। इसको मैं आधा घंटा पहले से ही भिगो के रख दी थी, धो के इसको रख दी थी मैं। और मटन में जितना पानी था ना, मैंने उसको सुखा दिया था अच्छे से आलू डाल के, फिर इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही इजी प्रोसेस, मुझे बहुत पसंद है, आप लोग भी बनाइए, आपको भी बहुत इजी लगेगा। देखिए इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें बिरयानी मसाला डाल देंगे एवरेस्ट का, अच्छे से सब पूरा पैकेट डाल देना है, क्योंकि मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। केवरा वाटर, ये केवरा वाटर है जो कि आपके बिरयानी में इतनी खुशबू ले आएगी जो आप सूंघ के ही आपका पेट भर जाएगा। ये देखिए सबको मिक्स कर ली मैं, और मैंने डाला है 2.5 ग्लास चावल। 2.5 ग्लास चावल में आप पूरा उसका फूल लीजिए, 2.5 ग्लास चावल में उसका 5 ग्लास पानी, उसका डबल, 2 ग्लास चावल होने से आप 4 ग्लास पानी देंगे। मैं यहाँ पे 2.5 ग्लास ली थी चावल, सो मैं इसमें 5 ग्लास पानी ऐड करूँगी, तो ये अच्छे से पक जाएगा। जितना भी आप चावल लेंगे आप याद रखिएगा उसका डबल आपको पानी देना है, ना कम ना बेसी। अच्छे से ये कर लेंगे, नीचे से लग ना जाए अच्छे से। ये साइड साइड में जो चावल लगे रहते हैं उनको भी निकाल लीजिए, नहीं तो वो पकेंगे नहीं। फिर इसको ढक्कन लगा के 3 सीटी में मेरा चावल बन जाता है, 3 सीटी में, तो मैं इसको 3 सीटी लगाऊंगी। आपका 2 सीटी में भी हो सकता है, 3 सीटी में भी, आपके अनुसार है आपका प्रेशर कुकर कितना ये है। और देखिए ये मेरा बन गया यम्मी मटन बिरयानी इन कुकर। देखिए इसमें मैं बीट ऐड करती तो देखिए देखते आप कलर कैसा होता है इसका आलू का। और ये मटन वाला था इसलिए मैं नहीं बनाई, चिकन में बनाती।